हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है आर्थिक आधार पर भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्थिक आधार पर भारतीय जनजातियों का कितने भाग में वर्गीकरण हुआ है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय जनजातियों का अनेकों वर्गों में उसे वर्गीकृत किया गया है। जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ रखा है, फर्स्ट पॉइंट है शिकार और कंदमूल इकट्ठा करने वाली जनजातियाँ। भारत के अनेक जो जनजातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं, अब भी जंगलों में निवास करती है और हंटिंग करती है, कंदमूल इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह करती है। ये जनजातियाँ जो है एक निश्चित स्थान पर निवास नहीं करती है और अपने क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में विचरण करते रहती है। ये लोग कृषि नहीं करते हैं। इस श्रेणी में कोचिन के कादर, माला, पंतरम, मदुरा की पलियन आदि ट्राइब्स है। डॉक्टर अगर चतुर्भुज की बात करें, झारखंड के विढ़ौर जनजाति को भी इसी वर्ग में उनके अनुसार शामिल किया गया है, जो जंगलों में कंदमूल फल और जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और किसी निश्चित स्थान पर निवास नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंदमूल इकट्ठा करने काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है। यानी घुमंतु प्राणी भी कह सकते हैं उन्हें। हंटिंग करना है और खाना की तलाश है, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पशुपालन द्वारा निर्वाह करने वाली जनजातियाँ, यानी एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू कौन कौन से ऐसे ट्राइब्स हैं जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अनेक जनजातियाँ ऐसी हैं जिनके जीवन यापन का प्रमुख साधन पशुपालन है, यानी एनिमल हस्बेंड्री है। हिमाचल प्रदेश की गुज्जर ट्राइब को ले लीजिए, दक्षिण नीलगिरी की टोडा ट्राइब को ले लीजिए, जो पूर्ण रूप से पशुपालक है, एनिमल हस्बेंड्री करती है। भैंसों को पालने का इनका मुख्य पेशा है। भैंस इनका प्रमुख पशु है जो पवित्र माना जाता है। ये दूध और दूध से बने चीज़ों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट जो है, कृषि तथा गृह उद्योग द्वारा जीवन यापन करने वाली जनजातियाँ। अनेक जनजातियों में कृषि का विकास हो चुका है। इनकी कृषि जो पद्धति बहुत प्राचीन है और आधुनिक पद्धतियों से प्रभावित नहीं है। इस वर्ग में कुछ ऐसे जनजातियां हैं जो एक निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से कृषि करती हैं। कुछ ऐसी भी ट्राइब्स हैं जो अनिश्चित रूप से अस्थायी कृषि अर्थात स्थानांतरित कृषि करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें यूपी, MP, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ ट्राइब्स ऐसे जो इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उद्योग में लगी हुई जनजातियाँ। कुछ जो ट्राइब्स है वो फैक्ट्रीज़ में काम करती है, इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका अर्जित करती है। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं झारखंड, बंगाल, असम, यहाँ के ट्राइब्स मुख्य रूप से यही काम करते हैं। ये लोग विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में कार्य करते हैं और अपने मूल स्थान से भी संबंध बनाए रखते हैं। इन लोगों की अनेक आवास समस्याएं पैदा हुई हैं। जब घर छोड़कर ये लोग किसी भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं तो बाहरी संपर्क के कारण अनेक दुर्गुणों को अपना लेते हैं, मीन्स जो डिमेरिट से इनमें भी आ जाती है। ये लोग जब अपने मूल निवास स्थान में आते हैं तो वहाँ भी इन दुर्गुणों को क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करने लगते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लोक कलाकार जनजातियाँ। कुछ जो ट्राइब्स है उन्हें नाचना गाना, कलाबाजी करना, सांप का दिखाना, नृत्य आदि, ये सब इनका जीवन यापन करने का एक तरीका है। इसलिए इन्हें फोक कलाकार यानी फोक आर्टिस्ट भी कहा जाता है। यूपी के दक्षिण पूर्व में भ्रमण करने वाली जो ट्राइब है, जैसे नट है, सफेदा ट्राइब है, उड़ीसा के मुंडुप्ता, वहाँ एक जगह है जहाँ पे कुशल कलाबाजी की कला दिखाते हैं वहाँ के ट्राइब्स। मदारी और पमूला सांप पकड़ने का काम करते हैं। आंध्र प्रदेश के बहुरूपा, तमिलनाडु के कोटा भी सांप पकड़ने का ही काम करते हैं। तो ये सब लोक कलाकार जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट जो है, सरल कारीगर जनजातियाँ। कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो सरल कारीगर जनजाति की कैटेगरी में आते हैं, जैसे टोकरी बनाना, लोहे का छोटे छोटे घरेलू उपकरण बनाने का काम करते हैं, जिससे उनका जीविका चलता है।
बिहार का सूर छोटानागपुर के लोहरा ट्राइब है, करमाली है, चिक बड़ाई महली, ये सब कारीगर श्रेणी की कैटेगरी में ही आते हैं ये सब ट्राइब्स। एमपी के अगरिया आदिवासी लोहा गलाकर विभिन्न औजार बनाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र के कोलम चटाई बनाने का काम करते हैं। दक्षिण भारत में इरूला बांस की चटाई टोकरी बनाकर जीविका चलाते हैं। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से भारत की जनजातियों के विभिन्न समूहों में बांटा गया है। कुछ जनजातियाँ जो है वो कंदमूल और फल संग्रह करने का काम करती हैं, तो कुछ बर्तन बनाने का काम करती है, कुछ लकड़ी काट कर बेचने का काम करती हैं, तो कुछ शिकार और मछली पकड़ना इत्यादि कार्यों द्वारा जीवन अपना निर्वाह करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कुटीर उद्योगों को भी करती है, जैसे रस्सी बनाना, चटाई बनाना, डलिया बनाना, सूप बनाना इत्यादि। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।